जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ऑफ विथ अंकित पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपना रिन्यूअल कैसे करेंगे स्कॉलरशिप फॉर्म। आपको कोई भी कोर्स है, आपका एक साल बीत गया है तो उसके बाद आपको रिन्यूअल करना होता है। तो रिन्यूअल करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर आना है, scholarship.up.gov.in। फिर आपको यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर पर आना है। फिर यहाँ पर आपको रिन्यूअल लॉगिन पर क्लिक करना होगा। चूँकि आप रिन्यूअल कैंडिडेट हैं तो आपको रिन्यूअल लॉगिन पर आना है। फिर यदि आपका हाई स्कूल के पहले का है, हाई स्कूल तक का है तो इस पर, इंटरमीडिएट का है तो इस पर, पोस्ट मैट्रिक का है तो इस पर। चूँकि हम बीएड का कर रहे हैं इस वजह से यहाँ पे हम पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर लॉगिन पे आपको क्लिक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटर लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन संख्या 2021-22 का डालना है। इसके पहले क्या होता था, फिर लास्ट ईयर भी ऐसे था कि रजिस्ट्रेशन संख्या आपका चेंज नहीं होता है रिन्यूअल में, नहीं तो हर साल जो है रिन्यूअल में रजिस्ट्रेशन संख्या चेंज हो जाती थी। तो अब आपको पुराना रजिस्ट्रेशन संख्या ही यूज करना है, तो यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और अपना जो वेरिफिकेशन कोड, लास्ट ईयर जो पासवर्ड आपने बनाया था वही यहाँ पे डालना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके पहले, फॉरगेट किस पासवर्ड किस तरह से करते हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आना है। अगर ये हाइड रहेगा तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, जहाँ पे लाइन पे, फिर नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए, ये आपका पर्सनल डिटेल रहेगा, आपसे मुझे यहाँ पे हमने हाइड किया हुआ है। अब आपको यहाँ पे शैक्षणिक पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये ऑटोमेटिक है, जो भी आपका रेगुलर कॉलेज रहेगा तो यहाँ पे रहेगा, नहीं तो स्ववित्त पोषित यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको जो कोर्स रहेगा, कोर्स पे कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पाठ्यक्रम का वर्ष या अवधि यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, इस पर भी आपको कुछ नहीं करना है। प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि आपने जो डाली है वो यहाँ पे रहेगी। वर्तमान में आपकी यहाँ पे चेंज करनी है, तो यहाँ पे लास्ट ईयर में 21 थी, इस वर्ष जो है जब आपने फीस जमा किया है या एडमिशन लिया है वो डेट यहाँ पे डालेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने पाठ्यक्रम वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि यहाँ पे हमने डाल दी है। जब आप एडमिशन लिए होंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा कॉलेज की तरफ से फीस रसीद जो होती है, इस पे आपका डेट लिखा रहता है, आपको वही डेट यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एफिलिएट एजेंसी पंजीयन क्रमांक, आपके रिजल्ट में एनरोलमेंट नंबर दिया रहता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। और दोस्तों यहाँ पे विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम ऑटोमेटिक है, पहले से पड़ा हुआ है। अब आपको यहाँ पे अगर आपके पास राशन कार्ड संख्या है तो आप यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करके डिक्लेरेशन पे क्लिक करना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यदि आप यूपी से हैं और आप राशन कार्ड संख्या ढूंढना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे राशन कार्ड टाइप कर देना है। जैसे आप राशन कार्ड टाइप करेंगे आपको यहाँ पे राशन कार्ड खोल के आ जाएगा। फिर आपको अपना यहाँ पे जिला चूज कर लेना है, तो मेरे केस में यहाँ पे प्रतापगढ़ है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र में अपना यहाँ पे ब्लॉक चूज करेंगे, शहरी क्षेत्र तो आपको शहरी टाउन यहाँ पे चूज करेंगे, उसी तरह आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ ब्लॉक चूज कर लिए हैं, अब हम आगे आ गए हैं। अब आपको यहाँ पे अपने ग्राम पंचायत का नाम चूज करना होगा, जो भी ग्राम पंचायत होगी यहाँ पे उसकी लिस्ट आपको दिख जाएगी, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या फिर आप अल्फाबेट वाइज ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं ग्राम सभा चूज करके। अब यहाँ पे अब आपको कोटेदार का ऑप्शन मिल रहा है, अब जिसपे अगर सफेद राशन कार्ड तो आप इस पहले क्लिक करेंगे, अंत्योदय है तो आप इस पे करेंगे, तो पात्र गृहस्थी पे हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको सारे राशन कार्ड मिल जाएंगे, इसमें आप अपना ढूंढ सकते हैं, ये राशन कार्ड संख्या है, आपको इसी को जो है कॉपी करके वहाँ डालना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे राशन कार्ड संख्या डाल के अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब सक्सेसफुली अपडेटेड का ऑप्शन दे रहा है, ये हमारा स्टेटस वाला कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे शुल्क संबंधित पे क्लिक करना है। अब देखिए, लास्ट ईयर में 51,250 जमा हुआ था, लेकिन इस साल जो है फीस रसीद में यहाँ पे दिया हुआ है 30,000 रुपये, तो आपको यहाँ पे 30,000 रुपये टाइप कर देना है, 30 और के बाद 30, ठीक, 69348। उसके बाद फिर यहाँ से मैं प्रमाणित करता हूँ। अब आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है, तो ये भी यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे गत वर्ष पे क्लिक करना है। अब गत वर्ष में यहाँ पे देखिए, अब आपका परीक्षा फल पास हो चुका है, वार्षिक परीक्षा है या सेमेस्टर प्रणाली है, अब यहाँ पे आप ऑप्शन चेंज करेंगे, चूँकि यहाँ पे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर प्रणाली है, तो यहाँ पे हम सेमेस्टर प्रणाली पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे CGPA, SGPA या फिर वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम SGPA प्रणाली है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राप्तांक डालना है और पूर्णांक यहाँ पे डालना है, तो चूंकि यहाँ पे
सेमेस्टर में दो सेमेस्टर का मिला के यहाँ पे डालना होगा, तो यहाँ पे हम दो सेमेस्टर का मिला के डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे प्राप्तांक आप अपने कॉलेज से पता करके डालेंगे, कितना प्राप्तांक डालना है, कितना पूर्णांक आपका डालना है, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है। देखिए यहाँ पे SGPA 8.25 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे दोनों का मिला के यहाँ पे 10 में जो मिलता है, तो ये दो सेमेस्टर का 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूर्णांक दोनों का जोड़ के हम यहाँ पे डाल देंगे, आप अपने हिसाब से डालिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए प्राप्तांक आपको यहाँ डालना है, पूर्णांक यहाँ डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। और ये यहाँ पे शिक्षण संस्थान का नाम आपको चेंज करना होगा रिन्यूअल वाले में, फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपको चेंज करना होता है। अगर 3 साल का आपका कोर्स है तो फिर आपको फाइनल ईयर में नहीं चेंज करना होगा, आपको ध्यान दे लेना है। उसके बाद आपको यही कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके फिर सबमिट पे अपडेट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों देखिए हमारा ये डिटेल कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें पे क्लिक करना है। अब आपको ये पूरा फॉर्म अच्छे से देख लेना है, सभी चीज़ें जो आपने अभी चेंज की हैं वो मिलान कर लेनी है। जैसा हमने अभी यहाँ पे देखिए ये लास्ट ईयर का डाला है, कितने SGPA में कितना पॉइंट है आपका, कहाँ पढ़ रहे हैं, कितना परसेंटेज, ये हो गया। बाकी चीज़ें आपने फीस अपडेट की है वो देख लीजिए, डेट देख लीजिए। यदि आप कॉलेज में इसे दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट आउट प्रिंट दिस फॉर्म पेज पे यहाँ पे, या फिर आप इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, इसका PDF बना के आप प्रिंट आउट करके कॉलेज में दिखा सकते हैं। फिलहाल आप दिखा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर इसमें आप सबमिट कर देंगे तो दोबारा संशोधन नहीं होना है। नए फॉर्म में क्या रहता है, अगर आपका कुछ गलत हो जाता है दोबारा भर सकते हैं, लेकिन पुराने फॉर्म जो नवीनीकरण होते हैं इसमें कोई संशोधन का ऑप्शन फिर नहीं मिलता, आपको दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से आप 2-3 बार अच्छे से चेक कर लीजिए और कॉलेज में एक बार वेरीफाई करा लीजिए, उसके बाद आप लॉक करिए। अब दोस्तों जब आप संतुष्ट हो जाएं कि हमने जो भरा था वो सब हमारा सही है, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें पे इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद फिर आपको 2 दिन का वेट करना होगा। यहाँ पे 3 दिन दिखा रहा है लेकिन 2 दिन आपको वेट करना होगा। 2 दिन बाद आपको यहाँ पे संस्था है तो आवेदन प्रिंट करेगा ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में जमा कर सकते हैं। अभी आपको इस पे तब तक क्लिक नहीं करना है जब तक आप श्योर ना हो जाए कि हमने जो भरा है वो एकदम सही है, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं अभी, तो फिर आप फिर से यहाँ पे आएंगे, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, फिर इस पे क्लिक करेंगे। आपको जो भी चीज़ें आप उसमें चेंज करनी होगी फिर से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लॉक करेंगे, बशर्ते आपको ध्यान देना है कि लॉक करने के पहले सब कुछ देख लेना, अगर लॉक कर दिए तो फिर दोबारा संशोधन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से रिन्यूअल करना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।